दिखाते हैं डॉक्टर बीसी राय में जो क्षेत्रीय रेलवे हिंदी महोत्सव हो रहा है, नाटकों महोत्सव 2023, आपको दिखाते हैं उसका थोड़ा सा झांकी। कोई काम का तलाश करना पड़ेगा इधर। कहाँ? वो गधे बाजार में कोशिश करोगे? हाँ, बाजार हो और राजपूत, कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। हम लोग गधा हैं? नहीं तो क्या, इस बैग में फाइल लेकर इतना सारे सर्टिफिकेट लेकर घूम रहा हूँ, कोई एक भी काम का तलाश नहीं कर पा रहा हूँ, तो गधा नहीं है तो क्या? और वैसे भी हम लोग को काम मिल नहीं रहा है, और यहाँ अगर गधा बनोगे तो काम मिलेगा, खाना मिलेगा। वो जो आदमी गधा खरीद कर वापस आ रहा है, नजदीक आते ही मैं उसे अपनी बातों में उलझा लूंगा। हाँ। और तुम उस गधे के गले की रस्सी को अपने गले में पहन लेना। क्या मेरे गधा महाराज, आजा आजा। रोड़ा हाथी खरीदने के बाद छोड़िए, दाम पूछने का हिम्मत है? इतना सा काम के लिए 1100 रुपया? अरे सुलेमान। कौन सुलेमान? बैठो। अरे बैठो दादा। नहीं, मेरा नाम हरिश्चंद्र है, ना ही सुलेमान, समझे? मेरा नाम है बटेश सर। तुम कहके क्यों पुकार रहा हूँ सोचो। क्यों? दोनों आंखों से जहाँ नजर पड़ी मैं भरमन को निकल पड़ा। वेरी गुड। अरे लात मारो। किसे? और थोड़ी देर नहीं बैठोगे? नहीं। अरे ये क्या? सब कुछ विस्तार से बता रहा हूँ। मेरा पिताजी सास पे महापुरुष जैसे। तुम्हारे पिताजी को क्या हुआ वो तो बताओ। पिताजी को तो कुछ नहीं हुआ। हुआ तो मेरा पिताजी ने अचानक एक लड़की का साथ मेरा शादी तय कर दी। मैं जितना बार कह रहा हूँ कि शादी नहीं होगी, पिताजी बोले होगी। मैं बोल रहा हूँ नहीं होगी, पिताजी बोले होगी। होगी नहीं होगी। तुम मेरे बच्चा होकर मेरा मुंह पर धमकी चला रहा हो। गुस्सा के कहने लगे तुम एक गधे हो। बोले माता मत रहे तो आपके पास रखो, मैं कह रहा हूं तुम गधे हो और अच्छा तुम गधा बनकर ही रहोगे। जब भी कहा तुम गधा बनकर रहोगे मैं वही हो गया। और अभी को हाथ लगते ही मैं फिर शादी होगा बोल देता हूं। ची 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 ची। आप मेरी प्रभु हो? अजी हो भगवान। अरे सुन रही हो? अरे नहीं पिया हूँ, सचमुच का नहीं पिया हूँ। ये कौन है? जी मैं गधा ही हूँ। क्या सात पुरुष पहले से? नहीं। अच्छा तुम्हारा एक बार भी नहीं महसूस हुआ? वो गधा नहीं आदमी समझा। चालाक तो लगता नहीं, गहरे पानी को मछली निकला। कौन है?
शादी तो मैं भी कहा ज्यादा नहीं। पूजा का समय है, सावन का दौर और ऊंचा हुआ तब तो नुकसान हो जाएगा। का फसल पानी का बिना सूख जा रहा है, पानी का व्यवस्था करने से फसल अच्छा होगा। लगा के पानी से पटवन की व्यवस्था करते हैं। हाँ ये तो देखते हैं बढ़िया व्यवस्था, पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे मोटर बाइक को लेकर चप्पल मालकिन का हाथों का सोने का बाला यदि बंधक रखे गधे के मुताबिक मेरा पूरा घर संसार चलाना होगा। सुनिए मेरे को लेकर आप आपस में क्यों झमेला करते हो? मैं आज हूं तो कल नहीं रहूंगा, आप चाहे तो कल ही मेरे जगह पैसा देकर एक गधा खरीद सकते हैं, लेकिन मैं जो बात बोला एक बार जरूर विचार कर ली एक बार, क्योंकि हमारे लिए सबसे कीमती चीज है मिट्टी। हम जितना पसीना निकालेंगे उतना ही फसल भला के घर भराएंगे। पानी ज्यादा जरूरी, ये सोने का भाला बाइक। बहुत देर से तुम्हारा ये बकवास सुन रही हूँ। आदमी है दादा नहीं आदमी, तुम्हारा दिमाग पूरा तरह खराब हो गया। ए, चल चल मैं क्या कर रही हूँ, उसके गले में दर्द होगा, गला में दर्द होगा। ए, चल दर्द हाँ, तो जो महसूस कर रहा है किसी के घर का आदमी होके हम लोग समझ नहीं पा रहा है। इधर आए हो कैसे? अरे एक फसल भरे खेत में बहुत तरह का काम होता है, और मेहनत करने की क्षमता हो तो मनुष्य का दुख दर्द कहाँ रहता है, इसीलिए तुम्हें लेने आ गया। देखना गधा पीछे गधा बन गया है। हमें माफ कर दो, गुस्सा मत करो गर्दभद्द, हम तुम्हें गर्दभद्द कहकर ही पुकारेंगे। হ্যালো খুব ভালো, এখানকার স্টেজও খুব ভালো, নাটকের পরিবেশটাও বেশ ভালো, আমাদের টিমটাও খুব ভালো, খুব ভালো। আমরা প্রায় তো কেউ মানে হিন্দি ভাষাভাষীর লোক ছেলেরা কমই আছে, মোটামুটি আমাদের উড়িয়া ও বাঙালি, বাট আমরা ট্রাই করেছি হিন্দি নাটক করার জন্যে, আর দেখি আমরা চেষ্টা করেছি ভালো করার জন্য, যা হবে দেখা যাবে। দেখতেই পহচান গিয়া, একবার দেখতেই পহচান গিয়া, মেরি নজর সে ভুল নেই হো সকতে। এই স্টেজে এসে পারফর্ম করতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে, খুব আনন্দিত আমি, মন আমার খুব খুশি। বিষয়টা তো খুবই ভালো, যতটা পেরেছি চেষ্টা করে গেছি। এখানকার অডিটোরিয়াম খুব ভালো, আর আমি ছেলের চরিত্রে করে খুব ভালো লেগেছে এখানে। বাহ বিসি রায় অডিটোরিয়ামে দুর্দান্ত পারফরমেন্স কাছাপাড়া ওয়ার্কশপে, আর সবাইকে আমার তরফ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, কারণ সবাই নিজের নিজের কাজের জায়গায় প্রচণ্ড প্রেশারের মধ্যে কাজ করেও যে এত সুন্দর করে রিহার্সাল করে এই জায়গায় এনেছে, সকলকে আমার অসংখ্য ভালোবাসা। কাছড়াপাড়া টিমকে নিয়ে এখানে এসে অভিনয় যেরকমভাবে ওরা পারফর্ম করলো মানে আমি খুবই প্লিজড, ওরা ওদের সবটুকু দিয়ে পারফর্ম করেছে, ফলাফল যাই হোক না কেন আমরা পুরো টিমকে নিয়ে খুব এনজয় করছি। প্রথমবার মিউজিক নাটকের সাথে মিউজিক প্রথমবার একদম নার্ভাস ফিল করছিলাম, কিন্তু পরবর্তীতে মনে হয়েছে যে নিজের 100% দিতে পেরেছি। এবার কতটা পেরেছি সেটা তো যারা বিচারক প্লাস যারা নাটক দেখেছেন তারা জানেন, কিন্তু যখন কাজটা করছিলাম তখন এই ভিতরের নার্ভাসনেসটা কেটে গেছে। নাটক খুব ভালো হয়েছে, লাইট মিউজিক খুব ভালো হয়েছে, আর এরকম একটা জায়গায় আমরা খুব নাটক করতে পেরে খুবই মানে নিজেদের সৌভাগ্য মনে করছি। আর সবচেয়ে বড় কথা, নাটক না হওয়ার থেকে হওয়া তো ভালো, তো এই টিমটা সবাই মিলে একসাথে কাজ করছি ভালো লাগছে, আশা করছি পরে আরও ভালো নাটক করবো। বিচারকরা কী ডিসিশন দিল সেটা বিচারকদের ব্যাপার, তবে আমরা নিজেরা স্যাটিসফাই নাটকটা করে আরেকটু বেটার হবে চেষ্টা করলাম। এত কাজের পিছনের মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের টিমকে এই ভালো জায়গায় তুলে ধরতে পেরে আমি গর্বিত। समय पर 20 मिनट के पश्चात यहाँ पर उपस्थित हो जाए, धन्यवाद। तो कंपटीशन जब है उसमें जब समय का पाबंदी है
की प्रैक्टिस करके आना चाहिए। एक घंटा 15 मिनट से ऊपर लग गया जिसको हम लोग डिसक्वालीफाई करना पड़ा है क्योंकि हमारे पास। दूसरी बात है कि टेक्स्ट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, किस विषय में हम लोग नाटक कर रहे हैं। एडिटिंग बहुत जरूरी है निर्देशकों के लिए। मैं जो दिखाना चाहता हूँ, जो बताना चाहता हूँ, कम टू द पॉइंट, ज्यादा कुछ नहीं। ज्यादा करने से, ज्यादा एक्टिंग करने से वो बहुत ज्यादा लगता है। जो आप बिहेव करते हैं वही नाटक है। और भी सीरियस होना जरूरी है नाटक के लिए क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है, कॉमेडी नाटक है जिसमें कॉमेडी का टाइमिंग जरूरी है, वो नहीं मिल रहा आपको, इसलिए कोई हंस नहीं रहे। हंसी की बात है, लोग नहीं हंस रहे, यही तो हंसी की बात है। अच्छा लग रहा है तो दर्शकों को कैसे अच्छा लगेंगे। नाटक में मुझे कुछ अलग देखने को मिला, सेट लाइट सोच विचार कुछ अलग देखने को मिला। आप लोग रेलवे के कर्मी हैं, काफी काम है रेलवे में, बावजूद आप लोग थिएटर कर रहे हैं, इसके लिए सचमुच आप लोग बधाई के पात्र हैं। तो हम लोग जब देखते हैं तो हमारी आंखों में कैंची लगी होती है, हम लोग उसी नज़र से देखते हैं कि कहाँ काटना है कहाँ छांटना है। कोई मंच इतना क्लमजी हो जा रहा था कि उसे हटाने में लगाने में ही मतलब कि एक काफ़ी वक्त ले लेता। ऐसा होना चाहिए बहुत हैंडी लगाने में चट से लग जाए या ना हटाना पड़े। कुछ सजेशंस है कुछ कुछ नाटक यहाँ पर ऐसे हुए हैं, कुछ चीज़ें बहुत रिपीटेशन हो रही है वर्षों से, वो दहेज प्रथा, वो जाति प्रथा, वो जमींदार वो गरीब, तो कुछ विषय हो तो हमें बहुत अट्रैक्ट कर लेता है। पांचों नाटकों में है एक दो ऐसे नाटक हुए हैं जो हमें अट्रैक्ट किया है हम दोनों को। हम लोग थिएटर करते हैं लेकिन हर नाटक से हम लोग भी कहीं ना कहीं हमारा भी स्वागत करता है, हम भी कुछ यहाँ से हम भी बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं। सभी सब प्रकार के जितने भी विधाएं हैं नाटक की, उन विधाओं के आकलन के बाद सर्वश्रेष्ठ नाटक के रूप में गधा बाजार को प्रथम स्थान दिया जाता है। तो जो नाटक में जिन लोगों को प्रथम पुरस्कार नहीं मिला, मैं चाहूँगा कि वो अगले साल दुगने मेहनत करके और अच्छा करने का कोशिश करें कि सो दैट कि अगले बार उनका नंबर आए फर्स्ट आने का। और जो आज जिस ग्रुप को मिला है, ये कचड़ापाड़ा के नाटक ग्रुप को, तो उन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। उनके सारे जो टीम के मेंबर हैं जिसने डायरेक्ट किया, जिसने म्यूजिक दिया, जो भी किया, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और राजभाषा विभाग को भी बहुत मुबारकबाद, उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया। आगे है हिंदी नाटक प्रतियोगिता कासापाड़ा वर्कशॉप नाटक टीम गाधा बाजार निये डॉक्टर बीसी राय प्रेक्षागृह सियालदाते नाटक मंचन करेछिलो, ताते प्रथम स्थान ग्रहण करेछे। एर साथे साथे एखाने मंच सज्जाय आम्रा प्रथम स्थान ग्रहण करेछि। तारपरे बेस्ट डायरेक्टर हिसेबे आमादेर टीम सुबोध मिश्र जमी दिने नैशनल कम्पिटिशने आम्रा गाधाबाजार टीम कासरापाड़ा निजेदेरके आम्रा आमादेर डिउटीर करार परेओ सबाई मिलितभावे श्रम दिएछि, चेष्टा करेछि, एके अपरे कांधे कांध मिलिए, हाथे हाथ मिलिए चेष्टार मध्य दिए आज के आम्रा कासरापाड़ा रेलवे वर्कशॉप हिंदी कम्पिटिशन ड्रामा कम्पिटिशन हिंदी शियालदाय आम्रा अंशग्रहण करे सबाई एकसंगे मिलितभावे अन स्टेज बैक स्टेज सबाई मिले परिश्रम करे उजाड़ करे दिएछि। तार फलस्वरूप आज के आम्रा चैम्पियन, आगामी दिने देखा होच्छे नैशनल कम्पिटिशने। नमस्कार। আসলে এখানে যারা আজকে নাটক করলেন, অভিনয় করলেন, তারা তো নিয়মিত কেউ করেন না। সেই জায়গা থেকে সমস্ত কাজকর্ম করে সারাদিনের পরিশ্রমের পর সামান্য সময় রিহার্সাল করে যে সামান্য প্রস্তুতি নিয়ে যে অভিনয় আজকে করলেন, সেটা সত্যি তারিফ করার মতো।
আর ক্লেমরাম ইনস্টিটিউট মানে বিধান মঞ্চ, এইটার তো এখন সুন্দর ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থার মধ্যে খাপ খাইয়ে নেওয়া এটাও নতুন শিল্পীদের পক্ষে খুব অসুবিধা। তবুও তারা যে দক্ষতার সঙ্গে, যে মুন্সিয়ানোর সঙ্গে আজকে তাদের অভিনয় এখানে প্রস্তুত করলেন, সেটা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। আমি এদের সঙ্গে থাকতে পেরে নিজেরও খুব ভালো লাগছে, আনন্দ। রাজভাষা অনুবাদ কি তরফ সে ইস পুরি টিম কো বহুত বহুত বধাই। গধা বাজার নাটক কো রাষ্ট্রীয় স্তর পর ভি মঞ্চন করনে কা মৌকা মিলা। কাঁচড়াপাড়া কি টিম দ্বারা কিয়ে গে নাটক গধা বাজার কা মঞ্চন উস সভাগার মে মঞ্চিত কিয়ে গে সভি নাটকো সে বিলকুল অলগ রাহা। এক তরফ জহাঁ সভি নে দলিত উঁচ নীচ অমীর গরীব মহিলা সম্বন্ধী অত্যাচারো ইত্যাদি জেসে বিষয়ো কো চুনা, ওই দূসরি তরফ কাঁচড়াপাড়ে কে টিম নে বর্তমান সময় কে যুবাও কি বেরোজগারি কো আপনে নাটক কা মুদ্দা বানায়া। রাজভাষা অনুভাগ কি ওর সে ইস কারখানে কি টিম কো উনে রাষ্ট্রীয় স্তর পর ইস নাটক কে মঞ্চন হেতু অগ্রিম বধাই দেতা হুঁ। बेहतरीन तरीके से किए, ज़्यादातर जो डायरेक्शन पार्ट है, डायरेक्टोरियल पार्ट बहुत ही अच्छे हैं। कुछ नया कुछ देखने को मिला, उसका सेट डिज़ाइन, लाइटिंग, जो टेक्स्ट है, मोहित चट्टोपाध्याय का टेक्स्ट है। मोहित दा के टेक्स्ट में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, मूड होते हैं, तो उसको पकड़ने की कोशिश जो है वो अच्छा है। कलाकार जो है कुछ बंगला भाषी थे, इसीलिए हिंदी के उच्चारण में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, उसको बंगाली ही रख सकते हैं, बंगाली हिंदी में बोल रहे हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम। थिएटर करते हैं कोलकाता में या बाहर जो करते हैं, उसके बराबरी करने वाला एक प्रेजेंटेशन सा देखिए तो और भी इमेजिनेशन बढ़ेंगे। जो कलाकार जो है जिन्होंने अनुवाद भी बहुत अच्छा है, तो बेस्ट ऑफ लक, आगे भी अच्छे नाटक देख पाएंगे। सबसे अच्छी बात लगी हम लोग को जो अट्रैक्ट किया वो है इसका नयापन, इसका प्रेजेंटेशन। बात तो पुरानी है, बेकारी की समस्या को लेकर है, लेकिन आप कह किस तरह से रहे, उस कहने में एक नयापन है। और मोहित चट्टोपाध्याय के जैसा कि प्लेवन ने कहा कि कई मोड़ होते हैं, वो अद्भुत कुछ अपनी बातें कुछ अद्भुत ढंग से कहने में विश्वास रखते हैं, जिसमें हम लोग को देखने को मिला। और इसे आप तमाम कलाकारों ने बहुत बेहतर ढंग से निभाया है, अच्छा लगा डायरेक्शन ये पार्ट। और जो बेहतर चीज़ है, आप लोगों ने म्यूजिक का बहुत अच्छा यूज किया है। ध्वनि प्रदर्शन तो शायद उनको, लेकिन आप लोगों ने भी बहुत अच्छा ध्वनि का प्रयोग किया। लाइट का भी आप लोगों ने बहुत अच्छा, लाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, खासतौर से मंच नाटक के लिए, जिसका आप लोगों ने निर्वाह किया, अच्छा लगा। और मंच इसी तरह होना चाहिए, जो हैंडी जो डिस्टर्ब ना करें निकालने में, बाहर करने में। कंपटीशन नाटक में अगर ज़्यादा मंच हो जाए, इसमें यही चीज़ हम लोग को देखने को, इतना सिंपलिसिटी है, उसको हैंडलिंग करना बहुत सुविधा है। वो जो सिर्फ एक धागा से मंदिर का आपने रूप दे दिया और फिर घर भी बना दिया, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है किसी नाटक में। समझ नहीं पाएगा दूसरा, हाँ ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो तो हम लोग तो करते हैं तो समझ। नमस्कार, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। पूर्व रेलवे की क्षेत्रीय रेल हिंदी नाटोत्सव 2023 का आयोजन डॉक्टर वीसी राय प्रेक्षागृह सियालदह में 8 सितंबर 2023 को संपन्न हुआ। कचरापाड़ा कारखाने की प्रस्तुति गधा बाजार को 5 नाटकों में सर्वश्रेष्ठ नाटक घोषित किया गया एवं हमारे महाप्रबंधक पूर्व रेलवे के कर कमलों द्वारा कचरापाड़ा को प्रथम स्थान का पुरस्कार दिया गया नाटक के लिए। एवं साथ ही साथ बड़े खुशी एवं हर्ष की बात है कि सिर्फ नाटक को ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मंच सज्जा एवं सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का पुरस्कार भी कचरापाड़ा के झोली में ही आया। धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे कचरापाड़ा रेल कारखाने के प्रशासक, हमारे कचरापाड़ा कारखाने के राजभाषा विभाग, हमारे टीम के सभी सदस्य जिनके अथक प्रयास से ये सपना सच हो पाया। और मैं पूरे टीम को अपनी ओर से विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। एवं ये नाटक जो पूर्व रेलवे की ओर से अब प्रतिनिधित्व करेगी एवं अखिल भारतीय स्तर पर ये नाटक जाएगी और रेलवे बोर्ड द्वारा संचालित अखिल भारतीय रेलवे नाटोत्सव में भाग लेगी, ये आशा ही नहीं विश्वास है कि आगे भी जीत हमारी होगी और हम वहाँ भी सफल होंगे। धन्यवाद।
আলটিমেটলি সারাদিন শেষে নাটক বা ড্রামা কম্পিটিশান কমপ্লিট হলো ইস্টার্ন রেলের। এবং সবচেয়ে মজার বিষয়, কাঁচরাপাড়া আমরা সবার প্রথমে ছিল আমাদের শো এবং আমরাই প্রথম হয়েছি। তো জেগে দেখো আর তো নিশি নাই গো জয় রাধে, জাগো শ্যামের মন মোহিনী বিনোদিনী।